उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि जितने भी मांसाहारी दुकानें हैं, जितने भी मांसाहारी होटल हैं, वो सही बंद करके उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाएं। अगर मुझे कोई मांसाहारी दुकान या कोई मांसाहारी होटल खुला दिख गया तो मैं उसकी खाल में फुस भर दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इशारा किसकी तरफ है, इशारा सिर्फ एक कौम की तरफ है। तो दोस्तों आपने देखा होगा लगातार भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर हमेशा विवादित बयानों में घिरे रहते हैं और इशारा सिर्फ एक कौम की तरफ है या एक धर्म की तरफ है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर लोनी गाजियाबाद से सामने आ रही थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 के भाजपा प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर के ऐतिहासिक जीत पर लोनी में जश्न जारी हुआ है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी एवं स्थानीय जनता ने पहुंचकर भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर को बधाई दी। लोनी नगर पालिका में लोनी विधानसभा से पुनः विजय होने पर कर्मचारी द्वारा विधायक नंद किशोर गुर्जर का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक नंद किशोर गुर्जर ने आभार जताते हुए कहा कि जीत लोनी की जनता की जीत है। विधायक ने पुराने तेवर दोहराते हुए कहा, लोनी में खुले मांस की दुकानें, मांसाहारी होटल नहीं खुलने दिए जाएंगे, सभी अपना बोरिया बिस्तर समेट लें। साथ ही विधायक ने कहा कि तहसील, नगर पालिका और ब्लॉक की जिम्मेदारी तय की जाएगी, सभी कार्यों की जाँच की जाएगी, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, डूडा व अन्य विभाग की कार्यप्रणाली दुरुस्त करने और जरूरतमंदों को ही आवास लाभ प्रदान करें, न किसी बांग्लादेशियों को और न किसी अन्य लोगों को। विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि लोनी जल्द नगर निगम घोषित होने वाला है। लोनी नगर पालिका के पूर्व में हुए भ्रष्टाचार पर जांच तेजी से की जाएगी और जनता के लूटे हुए धन को पुनः लोनी के विकास में लाया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए देखते हैं नंद किशोर गुर्जर का वो विवादित बयान जो उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता और सामाजिक लोगों के सामने कहा है। आइए देखते हैं इस खास खबर को। जिसका अधिकार नहीं है, पता नहीं क्या नाम बताते हैं अपना, एक नाम और है निकल के, वो अमित नाम का कोई बेईमान आदमी आता है, वो भाग गया था पहले, उसको भगा दिया था, लेकिन उन्हें लगा कि हम लोग कामयाब होंगे, अगर दिखाई दे कॉल करना, यही बंधुआ का डाला जाएगा, बेईमानी नहीं लगी। अधिकारी सेवा करने के लिए, चाहे नगर पालिका के हो, चाहे तहसील के हो, एसडीएम हो या डीएम हो, सब अधिकारी चाहे पुलिस के अधिकारी हो, सब अधिकारियों का काम है कि जनता को कह रहा हूं मेरे आका क्या काम करूं तुम्हारा। तो ये लोकतंत्र है, अगर पहले भी दरोगा को जेल जाना पड़ा, पटवारियों को सस्पेंड होना पड़ा, चौकी की चौकी सस्पेंड हुई, इसलिए लोनी में रामराज का है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।